स्मार्ट लॉकडाउन के बाद बड़े ताजर भी परेशान हो गए। मुल्तान में मारूफ बिजनेसमैन चौधरी इमरान अहमद का कहना है, कारोबार 50% तक ठप हो चुका है, हुकूमत को लॉकडाउन में नरमी करनी चाहिए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। कोरोना की हालिया लहर शदीद हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन ने बड़ी कारोबारी शख्सियात को परेशानी से दो चार कर दिया है। बिजनेसमैन चौधरी इमरान अहमद का कहना था कि कोरोना कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ऐसे इकदाम उठा रही है, मगर लॉकडाउन में औकात का तब्दील किए जाएं। गर्मियों और माह रमजान में दिन के औकात बाजारों में निकलना मुश्किल होता है। दुकानों के औकात कार शाम 8 बजे तक किए जाएं, क्योंकि लॉकडाउन से कारोबार बहुत मुतासर हुआ है। टाइमिंग और छुट्टी का ताल्लुक है, उससे हमारे बिजनेस में बड़ा इफेक्ट आया है। हमारी सेलें कम हुई हैं और इसमें 2 दिन की छुट्टी ये बहुत मुतासर करती है बिजनेस को। और फिर टाइमिंग 6 बजे की टाइमिंग, ये टाइमिंग बहुत कम टाइमिंग है मुल्तान जैसे गर्म शहर में जहां अब गर्मी बढ़ती जा रही है। चौधरी इमरान अहमद का मजीद कहना था कि हम कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बाकी ताजरों से गुजारिश है, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें और साथ ही मुतालबा किया कि 2 रोज का मुकम्मल लॉकडाउन खत्म किया जाए। 8 बजे की कम से कम टाइमिंग हो जाए और छुट्टी जो है ना वो हमारी फ्राइडे और संडे की खत्म करके पूरा वीक हमें बिजनेस, ताकि वो रश डिवाइड भी हो जाएगा। मुल्तान की ताजिर बरादरी ने हुकूमत से अपील की है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए ताकि इनको कारोबार करने में आसानी हो। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।